हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी मिसलेनियस कैलकुलेशन, और मिसलेनियस कैलकुलेशन में आपको मैंने कुछ प्रोजेक्ट दिए थे। चलिए हम उसी प्रोजेक्ट पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमने बात किए थे स्टूडेंट मेक ए स्टूडेंट स्कोर कार्ड विथ मार्क्स परसेंटेज। तो चलिए हम स्टूडेंट स्कोर कार्ड पहले बनाते हैं। स्कोर कार्ड मतलब कि मार्कशीट जो बनानी थी, कि मार्कशीट बनाना था, उस पे उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना था। तो हम चलिए इसके बनाते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि छोटा सा एरिया एक हमें छोड़ना है, और यहाँ हम एक एरिया को लेते हैं जहाँ तक मेरा मार्क्स रहेगा वहाँ तक जाते हैं, और इसका मैं राउंड बॉर्डर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ हम जो है अपने इंस्टीट्यूट का या अपने स्कूल का लोगो रखेंगे। जैसे मैं अपना ही ले लेता हूँ, मैं अपना लोगो रख देता हूँ यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसकी साइज को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। हम लोगो हमने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके लाए हैं, आप इंटरनेट पर राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ ग्रीट कार्ड या जो भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपका जो है एक नाम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया IPT एक्सेल स्कूल, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। इसको बोल्ड और इसको अंडरलाइन, कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं ग्रेड कार्ड का कि ग्रेड कार्ड है, और इसको थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं, बोल्ड भी कर दीजिए। इसके बाद यहाँ हम आते और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, और इस पूरे को हम नहीं थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको नीचे करते हैं एक लाइन, और इन पूरे को सेलेक्ट करते हैं, और इसकी कलर हम कर देते हैं ग्रे, और ग्रे के साथ साथ इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक हम जाते हैं फॉर्मेट सेल, और नहीं फॉर्मेट सेल नहीं, ये थोड़ा सा और करना होगा, एक और हमें लेना होगा, और इसका साइज कम कर देते हैं, और नीचे इसका भी साइज हम कम कर देते हैं। हालांकि फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से जो लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। कभी भी आपके तरफ से कोई रिपोर्ट बन के जाती है तो वो थोड़ा सा बेटर दिखना चाहिए। ध्यान इस पे हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बेटर दिखना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है एनरोलमेंट नंबर, तो ERO LMENT और कुछ भी दे दीजिए नंबर अपने हिसाब से, और यहाँ बीच में आपका नेम आ जाएगा। अब ये चीज आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसको हम लोग जो है कैसे ये करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, मतलब कि अपने आप नेम आ जाए, अपने आप चीज आ जाए। तो नाम मान लीजिए हमने लिख दिया आदर्श कुमार से, और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम कोड या जो कोड्स है वो दे देते हैं। इस तरह की जो ग्रेट कार्ड है वो आपको इग्नू में दिखेगा, आपको इग्नू की जो क्लास BCMCA वगैरह की जो क्लासेज है उसकी दिखेगा। ये हमारा हो गया। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद इसको थोड़ा चौड़ा करते हैं हेडिंग के लिए। इसमें हम अपने सब्जेक्ट का हेडिंग डालेंगे, और इसके ऊपर हम देंगे अपना एक अलग कलर, जैसे कि हमने ये वाली कलर ले ली। अब यहाँ पे हम देते हैं अपना कोर्स, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो असाइनमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड थ्योरी, सॉरी थ्योरी कर देते हैं।
क्यूरी, और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स और यहां पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क के थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, पासिंग मार्क ये थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं। पासिंग मार्क के बाद टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क और यहां पे मार्क्स परसेंटेज। अब इसको थोड़ा सा हम लेके इसकी कलर को व्हाइट कर देते, क्योंकि जब भी डार्क कलर हो तो उस पर टेक्स्ट कलर व्हाइट होता है तो बेटर रहता है, और थोड़ा सा मिडल, और इसको मिडल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कोर्स नेम डाल देते हैं, कुछ भी कोर्स नेम है कोर्स नेम डाल देते हैं, और इसको सही रहेगा कि हम इसको टेबल फॉर्मेट में लें। जी हाँ, तो आप अगर जाते हैं होम मेनू बार में ही, यहाँ पे टेबल होता है, टेबल फॉर्मेट में लेंगे तो बेटर आपको रहेगा। उसमें क्या होता है कि एक लाइनिंग हमारा नहीं, टेबल फॉर्म में रहने दीजिए, इसको ऐसे ही करते हैं, टेबल फॉर्म में फिर दिक्कत हो जा रहा है। हालांकि टेबल फॉर्म करने से बेनिफिट होता है, लेकिन टेबल फॉर्म बाद में करेंगे, कम एक करने के बाद, टाइप करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने बी सी एस 11 ऐसे कुछ नंबर हम दे दिए, और मुझे एक लाइन छोड़ छोड़ के देना है, मतलब कि एक लाइन यहाँ पे होगा फिर गैप होगा यहाँ पे देंगे मार्कशीट, ताकि बीच में गैप दिखे और सही से दिखे। तो यहाँ हमने ये डाल दिए इस तरह से। तो एक मैंने कैसे किया, ध्यान से देखिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और बीच में एक ब्लैंक को सेलेक्ट किया, और दोनों को सेलेक्ट करके फिर नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया इस तरह से आपका। और चलिए थ्योरी के पेपर कुछ दे देते हैं, असाइनमेंट के पेपर। तो आप गूगल पे देखिए कि किस तरह, एक यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है, हमें बीच बीच में गैप कर रहा है ना, सब लिख दे रहे हैं। इस तरह से उसके बाद प्रैक्टिकल अगर देना है, टोटल मार्क्स 100 का पेपर था, अब इसको भी एक गैप करते हैं और नीचे की तरफ सेलेक्ट कर देते हैं, ताकि क्या, लेकिन ये बढ़ गया, नंबर हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो इस केसेस में आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में 100 लिखता हूँ। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, क्या बढ़ता है, देखें अभी भी बढ़ रहा है। तो नंबर पहले क्या था कि हमें लिखने के बाद नंबर इंक्रीज होता था, बट यहाँ पे क्या है कि नंबर इंक्रीज ड्रैग करने पे भी हो रहा है। तो जब ड्रैग करेंगे तो साइड में ये देखिए आएगा प्लस का निशान, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिल सीरीज है, इसको सिंपल सा हम कर देते हैं कॉपी सेल। कॉपी सेल करने में फिर आपका सिक्वेंस नहीं बनेगा। पासिंग मार्क मान लीजिए 40 पे था, और मैं यहाँ भी एक ब्लैंक छोड़ के नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं, और यहाँ भी सेलेक्ट करके हम यहाँ कर देते हैं कॉपी सेल, सिर्फ कॉपी करेगा। फिर यहाँ हमारा जो मार्क्स आया है वो मार्क्स जोड़ लेते हैं, जो भी मार्क्स जोड़ना है जोड़ दीजिए। आगे इस पर हम डिटेल वीडियो आपको आगे क्लास में बताएंगे, फिलहाल हम इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह करना सिखा रहे हैं। अब आता है मार्क्स परसेंटेज, तो मार्क्स आया है 31 किस में से, 100 में से। इसके ऊपर परसेंटेज का फॉर्मेट लगा दीजिए और एक ब्लैंक करके नीचे की तरफ आप ट्रैक कर दीजिए, तो ये आपका आ गया। अब फिर इसको यहाँ नोट टोटल और आगे चल के जो होते हैं पासिंग मार्क वगैरह कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाइए, इसको कर दीजिए, ग्रीन लाइन हटा दीजिए ताकि अच्छा दिखे, और नीचे टोटल मार्क्स कितना आया वो जोड़ दीजिए कि टोटल
टोटल यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे लगा देंगे सम का फॉर्मूला, जिससे टोटल पता चल जाएगा कि टोटल कितना आया है। और फिर यहाँ पे आएगा कि टोटल कितने में से आया है, तो इसका भी सम कर देते हैं टोटल कितने में से आया है। और फिर यहाँ पे परसेंटेज कि आपका परसेंटेज कितना आया यहाँ पे सम। हालांकि जो मार्क्स टोटल इसमें और भी जैसे थ्योरी वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह जोड़ के आएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमने नहीं किया है, पर ना आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल जोड़ दो प्लस असाइनमेंट वन जुड़ जाएगा, तो सब लेके टोटल आएगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, बट आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टोटल परसेंटेज आएगा तो आप जो है डिवाइड कर दीजिए जिसमें से आया है, तो टोटल परसेंटेज आपको 62% आएगा। फिर होम में गए, परसेंटेज का सिंबल लगा दिया और सीरीज को थोड़ा सा आगे कर दिए तो ये पूरा आ जाएगा। और जब भी टोटल याद रखिएगा उसको बोल्ड कर दीजिएगा ताकि सबको पता चले कि हाँ एक टोटल है बोल्ड है। उसके बाद नीचे कोई मैसेज वगैरह पासिंग मार्क वगैरह कुछ ऐसा देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है, आपका ग्रेड कार्ड बन के तैयार हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सुरेश ने ज्वाइन किया है 10 तारीख को, तो इसने 10 जनवरी को ज्वाइन किया 2017 को, तो 2 जनवरी 2017 का डेट डाले, पर आज कर रहा है रिजाइन, तो आज के लिए मैं यहाँ टुडे का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि आज का डेट दिखाएगा। और नंबर ऑफ डेज के लिए सिंपल सा लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेज करिएगा तो आपको नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। हालांकि इसके लिए मैं डेज का फॉर्मूला भी कल रिकमेंड किया था, डेज के फॉर्मूले भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अलग से लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने यहाँ बोला है कि आपको 10 जनवरी यहाँ पे पुट द 500 इन द रो कॉल रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, तो रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 होगा 0 1 1 2 3 4, यहाँ पे 500 हमने पुट कर दिया। अब बोला है मुझे कैलकुलेट करना है 60% इन B2 यूजिंग द सेल एड्रेस विदाउट यूजिंग द सेल एड्रेस, मतलब कि मैं B3 या B2 में इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 60% नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास रो नंबर है और कॉलम नंबर है। रो नंबर हमारा है 3 है, कॉलम नंबर है 4, तो यहाँ हम B3 में लगाएंगे फॉर्मूला एड्रेस का जो कि रो नंबर और 3 नंबर के बिहाफ पे मुझे इसका एड्रेस दे देगा, और इसी एड्रेस फॉर्मूले को इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर हम डालेंगे तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिंक जो है 500 निकाल देगा। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 60% करना है, रिजल्ट 300 आपको दिख जाएगा। तो आप लोगों ने जो किया है और जो मैंने करके दिखाया है दोनों के अंदर मैच कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरा बेटर है उसी तरह से इंप्लीमेंट कर लीजिए। किसी भी डाउट्स या क्वेश्चंस के लिए या हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए सामने नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।